विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इसके पहले हमने सामान्य ज्ञान के लिए 30-30 प्रश्नों के सेट 3 आप लोगों को मिल चुके हैं और आज ये चौथा सेट है। चूंकि आप सभी को पता है कि अब परीक्षा OMR सीट पे होगी, यानी पुराने पैटर्न पे होगी, यानी ऑफलाइन होगी, जिसमें आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए हम प्रतिदिन 30 प्रश्न लेते हैं। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो कक्षा 6 और 7 दोनों के लिए बराबर लाभकारी होगा। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के काल में भारत में स्वतंत्र हुआ, यानी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही जवाब है क्लेमेंट एटली, यानी यहाँ से आपका ऑप्शन बी वाला सही है। यानी आपका ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको प्रश्नों के उत्तर बताते रहेंगे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कई बार मैं ये प्रश्न पूछ चुका हूँ कि मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं? तो इसमें भ्रंश मतलब टूटने से, तो इसमें जो उदाहरण है वो होगा ब्लैक फॉरेस्ट, यानी बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं आपका 94 आपके सामने प्रश्न है कि इटली का एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है, यानी इनमें से किस प्रकार का ये ज्वालामुखी है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा, यानी भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां कर होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में, प्रति हेक्टेयर की बात नहीं कर रहा, सबसे अधिक कहां पैदा होता है? तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। अगला, चितरंजन में इंजीनियरिंग उद्योग का कौन सा सामान बनता है, यानी इसमें यहाँ पर बताना है जो चितरंजन में इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत सामान जो है किस चीज़ का बनता है? तो ये यहाँ पर चितरंजन में जो है वो रेलवे इंजन बनते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने 97। तो 97 में आपसे पूछा जा रहा है कि रिहंद परियोजना को स्थापित किया गया है, यानी जो रिहंद परियोजना है वो किस नदी के तट पर बना है? तो ये बना है रिहंद के तट पर, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्फेल टावर कहाँ पर स्थित है? ये तो खैर आपने पढ़ा भी होगा, इसको मैंने कई बार प्रश्न को डाला भी है और ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा भी जा चुका। तो एम्फेल जो टावर है वो आपका पेरिस में है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अब बात करते हैं 99 प्रश्न, दिल्ली की पहाड़ी किसकी शाखा, यानी जो दिल्ली है वो किसकी शाखा के अंतर्गत आती है? शिवालिक श्रेणियां हैं या फिर सतपुड़ा, विध्यांचल या आरावली? तो वहाँ पर तो है नहीं, विध्यांचल वगैरह बहुत पूर्व में है, तो ये आपका यहाँ पर जो ये 99 है ये आरावली की जो है पहाड़ियाँ आती हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अब हम प्रश्न 100 पढ़ते हैं। 100 में प्रश्न में आपके जो प्राइवेट बुक है या फिर आपकी जो गवर्नमेंट की बुक है उस पर भी वन्य संरक्षण के लिए जो उद्यान है वो दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यहाँ से लगभग एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि पर्यावरण बचाने के लिए पशु पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, तो ये आपका स्थित है कर्नाटका में, तो यहां से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 101 यानी आपकी प्राचीन इतिहास से है,
हड़प्पा संस्कृत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुजरात में स्थित है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गुजरात में जो है लोथल जो है शहर स्थित है, तो लोथल जो है, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न 102 पे पढ़ता हूँ। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सभी बच्चों को पता है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला यहाँ पर 103 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, सिकंदर के हमले के साथ उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? यानी जिस समय सिकंदर ने भारत पर हमला किया उस समय भारत में किसका साम्राज्य था? तो उस समय जो राजा थे वो नंद वंश के राजा थे, यानी यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किसके शासनकाल में बना है, उस समय कि कौन सा युग चल रहा था, मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल? तो उस समय चल रहा था आपका गुप्त काल, यानी यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न अगले पे। अच्छा प्रश्न है, हालांकि जो है बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने वाला कौन था? ये नहीं पूछ रहा किसने निर्माण शुरू किया, ये प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, चूँकि शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था लेकिन निर्माण जो पूरा कराया उसने कराया था इल्तुतमिश ने, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कादंबरी किसकी रचना है, तो ये आपकी बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया इसलिए इसे याद रखना है। तो इसका आंसर बच्चे जरूर जानते होंगे, कालीदास, यानी कालीदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आपका 108 नंबर है। तो 108 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि बंग भंग की घटना किस वर्ष हुई, यानी बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ, प्रश्न ये है। तो चूंकि बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में हुआ था, इसे हमें याद रखना है। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी महात्मा गांधी के भी एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः एक देशांतर कितने समय में घूम पाती, यानी एक जो देशांतर का समय है उसको घूमने में उसे कितना समय लगता है? तो एक देशांतर जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी यहां से आपका सही होगा। अगर हम बात करें आगे प्रश्न 11 के ऊपर, तो 11 अगर आप देखें तो 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ उत्पादन होता है? तो बच्चों याद कर लीजिए, जो अभ्रक का उत्पादन है वो भारत में सबसे अधिक होता है विश्व में। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, यानी जो कपास होती जो रुई है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसका आंसर हमारे सभी बच्चे जानते होंगे, काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला है, सरदार सरोवर बांध किससे संबद्ध है? तो ये सरदार जी की जो मूर्ति बनी है आपने सुना होगा गुजरात में, तो ये आपकी नर्मदा नदी जो है उसके तट पर बनाया गया, यानी संबद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खाने मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं, यानी जो हीरा है वो कहाँ से निकाले जाते हैं, ये समझ सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका कर्नाटक, इसे आपको याद रखना, यानी ऑप्शन डी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास है 115 नंबर, भारत में सबसे उत्तरी भाग से होकर गुजरने वाला अक्षांश व्रत, यानी जो सबसे उत्तरी है उसका मान क्या है? उसका मान है 37 अंश 6 मिनट
नॉर्थ यानी उत्तरी, तो उत्तरी भाग चूंकि उसने हिंदी में भी देखिए लिख रखा है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत की बड़ी झील कौन सी है, तो सभी को पता होगा इसका आंसर, चूँकि इसका भी जिक्र कई किताबों में बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। चिल्का जो झील है ये सबसे बड़ी झील है जो इसमें दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रारंभ की गई प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, यानी भारत में जो ये हमारी नदी घाटी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनमें सबसे पहली जो है परियोजना वो कौन सी, उसका हमें नाम बताना है। तो सबसे जो पुरानी या सबसे पहली जो परियोजना है वो है हमारी दामोदर घाटी परियोजना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 118 नंबर पे, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है। सभी को मालूम है कि समुद्री जो जल होता है उसके पानी को रोक करके नमक बनाया जाता है, तो नमक का जो फार्मूला है, नमक का जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NaCl। हालांकि पांचवें वाले नहीं लेकिन सिक्स वाले बच्चे समझ सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो तीन महाद्वीपों को स्पर्श करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है कि एक ऐसा सागर जो तीनों महाद्वीपों को छूता है वो है आपका भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन डी। अब आपके सामने लास्ट आज का प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समयावधि कितनी हो सकती है, यानी कम तो हो सकती है लेकिन अधिकतम यानी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती कि जब जो है दोनों सत्र बुलाने का जो अंतर है, तो ये होता है आपका 6 महीने, यानी 6 महीने से अधिक जो है अंतर नहीं हो सकता। उम्मीद है कि हमारे 30 प्रश्न आपके समझ में आए होंगे और इसी प्रकार से हम आपको ये लगभग 300 प्रश्न इतिहास और भूगोल के, इसके बाद हम साइंस के प्रश्नों का शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपको मैथ मिलेगी, मतलब कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है कि आपका कोई हम टॉपिक छोड़ेंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश के भी टॉपिक लिए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।